A B C D E F G S I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. जो जगरगुंडा में जो ताड़ मेटला से लगा हुआ जहाँ 76 जवान शहीद हुए थे हमारे, उसके बगल से लगा हुआ गांव है जिसमें जगरगुंडा में 13 साल से स्कूल शुरू नहीं हुआ था, हमने उसकी शुरुआत की ताकि लोग शिक्षा से जुड़े। और वहाँ मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जगरगुंडा जैसे दूरस्थ अंचल में जहाँ बिरला बसाहट है वहाँ 305 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हमने वहाँ 105 स्कूल सुकमा जिले में, 26 स्कूल बीजापुर में, 46 स्कूल दंतेवाड़ा में, इस प्रकार से स्कूल जो बंद पड़े थे उसकी शुरुआत की है। गांव का माहौल मतलब बढ़िया अच्छा है, स्कूल आए तो बहुत गांव वाले भी खुश से हैं। अब बहुत बढ़िया हो गया, चल रहा है स्कूल, चल रहा है कि मेरे को कुछ ही हो रहा है सर, बाल बच्चा कुछ होगा, गांव वाले की भी मेरे को कुछ होगा सर। बहुत बार देखा जाता है कि यह ट्राइबल्स जगह है और इनमें क्या होता है कि एक भाषा के साथ साथ और भी भाषाएँ होती हैं, उसके साथ साथ बच्चों की कैसे हम पढ़ाए और आगे फिर हम मल्टीग्रेड में कैसे जाए, हम शिक्षा में ये सब चीज़ें ला सके और आसानी ये कर सके कि बच्चे काफ़ी बेहतरी से पढ़ पाए। माननीय गुपेश बघेल के नेतृत्व का सरकार ने, सरकार बनने के बाद हम लोग कम से कम लगभग 200 स्कूल बीजापुर, अबूझमाड़, नारायणपुर के, दंतेवाड़ा के, सुकमा जिला के स्कूल खोला। नक्सलवाद आया कैसे? नक्सल इसलिए आते हैं जहां अत्याचार हो, जहां शोषण हो, जहां अशिक्षा हो, वहां नक्सलवाद पनपता है। और इस वहीं पे हमने काम करना शुरू किया कि हमारा जो मंत्र है वो है विश्वास, विकास और सुरक्षा। यहाँ पे जो LWE एलिमेंट्स हैं, जो यहाँ पे नक्सलवादी हैं और सलवा जुदुम के लोग थे, और इन दोनों की लड़ाइयों में यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो मैं कहूँगा कि यहाँ पर उस वक्त के स्कूल, आंगनबाड़ी, इस तरह के जितने भी सामाजिक अधोसंरचनाएँ थी वो सभी नष्ट किए गए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में ये बातें थी और उन्होंने बड़ी संवेदनशीलता से और गंभीरता से ये बात कही कि इन स्कूलों को शुरू करना है, और इसीलिए शिक्षा दूत को हमने लिया। ये शिक्षा दूत कोई टीचर नहीं है, देखिए ये वही लोग हैं जो वहाँ पर 12वीं पास है, पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे ही हॉस्टल आश्रम से पढ़ के निकले हुए लोग हैं और ये गांव में ही रहते हैं, क्योंकि आज की भी तारीख में वो बड़े संवेदनशील गांव है, कोई बाहर से व्यक्ति जाकर वहाँ पढ़ा नहीं सकता और ना कोई उसको मॉनिटरिंग कर सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि फिर वो शिक्षा दूत ही अपने गांव में समाज को, समुदाय को मोटिवेट करता है, उनको आगे लेकर आता है और उनको कन्विंस करता है कि स्कूल कितना महत्वपूर्ण है। जाएंगे